ये है भुवनेश्वर का पासपोर्ट ऑफिस एरिया भाई। खंडगिरी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो भाई आपने देखा था मेरी पिछली वीडियो में, मैं भुवनेश्वर आ गया था और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बजे। तो भाई पासपोर्ट ऑफिस जाने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई मेरे को बहुत लेट हो रहा था इसलिए मैंने एक ऑटो ले लिया। भाई ये है भुवनेश्वर सिटी का नजारा। तो भाई 9:30 अभी बज रहा है, 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट है और इतना ट्रैफिक है यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँगा, मतलब बैठा हूँ बस ऑटो में। तो भाई ये था पासपोर्ट ऑफिस, भुवनेश्वर का जो पासपोर्ट ऑफिस है। और ये है भुवनेश्वर स्ट्रीट का व्यू। मैं आया था पासपोर्ट ऑफिस अपना मैट्रिक सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, लेकिन उसमें एक क्यूआर का प्रॉब्लम है, मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, इसमें मेरे को आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा। ये है भुवनेश्वर का पासपोर्ट ऑफिस एरिया। कुछ सर ने मिले हैं हमको, लिफ्ट देंगे शायद। तो सर ने हमको आगे नहीं लिया क्योंकि आगे शायद हेलमेट चेकिंग होता है, तो मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो एक हेलमेट में उनको फाइन पड़ सकता है, इसलिए मैं उतर गया यहाँ पर। तो अभी फिलहाल मैं भुवनेश्वर के नयापल्ली रोड में हूँ। तो यहाँ पर कल्याणी मार्केट का जो मोपस है उसका स्टॉपेज है, मैं यहाँ पर रुकता हूँ और एक बॉस आने वाली है। मैं एप्लीकेशन में देख रहा था, कुछ ऐसी तरह का बॉस होती है और मैं यहाँ पर वेट करता हूँ। चलो भाई, खंडगिरी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। और बस 2 मिनट बाकी है, मोबस आ रहा है। तो मैं काउच सर्फिंग पर हैंग आउट कर रहा था, कुछ लोग मिले हैं जो बोल रहे थे कि वो 3 या 4 बजे फ्री हो जाएंगे, तो उनसे भी मिलेंगे आज, क्योंकि मैंने काउच सर्फिंग में पहली बार मिल रहा हूँ कुछ लोगों से जो नए लोग हैं। तो बॉस आ गया है।
तो भाई मैं खंडगिरी में पहुंच चुका हूं। मैं मोबोस से आ गया और ये है खंडगिरी स्क्वायर। और ये सामने है खंडगिरी जो शायद कैमरा में दिख नहीं रहा है। तो भाई यहाँ पर फॉरेनर्स ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए, मतलब टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर। खंडगिरी बहुत फेमस है, यहाँ पर विजिट करने के लिए फॉरेनर्स बहुत आते हैं। तो ये था आज का ब्लॉग वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।